डालेंगे अमित वालिया। देखिए इनको ड्रैगो के रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया है एज अ निडर एंड क्लोज रेंज असॉल्टर, तो यहाँ पे वालिया के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है फौजी अजय को रिवाइव देने की। परिस्थिति में ना तो डिलीट है इस वक्त और ना ही वालिया, अब दोनों नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से नॉकआउट। डिलीट के ऊपर पूरा प्रेशर, टीजी डिलीट के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया है। टीजी डिलीट न जाने कितने बार इस कारनामे को अंजाम दे चुका है। डिलीट के पास मौका है मैच को जिताने का, टीजी डिलीट के पास संपूर्ण मौका मैच को जिताने का। टीजी डिलीट, टीजी डिलीट, 1v1 टीजी डिलीट, ब्लू वॉल्स, या अमित वालिया कमाल के फॉर्म में, बट गिनोत्रा चार्ज बस्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, बट डिलीट यहाँ पे अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में और नॉकआउट कर दिया था वहां पे गिनोत्रा को, बट माफिया के पास लॉन्चर है और माफ कीजिएगा अमित वालिया के पास शायद लॉन्चर है और बाइक से काम कर दिया फौजी अजय ने, बाइक से काम कर दिया गाइस। फौजी अजय नॉकआउट हो गए, जोन के बाहर रिवाइव नहीं मिल पाएगा। ग्रेनेड लॉन्चर जरूर है अमित वालिया के पास, बट जोन में अभी तक पहुंचे नहीं है वालिया और माफिया को बैकअप की अति आवश्यकता थी। अमित वालिया आगे बढ़ते हुए, सामने चार खिलाड़ी मौजूद, माफिया नॉकआउट हो चुके हैं। 1v3 फाइट करते हुए अमित वालिया, अमित वालिया अभी तक ग्रेनेड लॉन्चर 1v3, अमित वालिया 1v2, अमित वालिया यहाँ पे भारी भरकम मुसीबत में, बाईं तरफ से रश आ सकते हैं या दाईं तरफ से, और जावा बॉय ने एमएच2बी से ग्लू वॉल के आर पार।